बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है स्पाइसी चिकन स्पैगेटीज, जिसको हम बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं और जिसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने लेना है 1 पैकेट स्पैगेटीज, और इसके अलावा हमने लेनी है बोनलेस चिकन, जिसको हमने जूलियन कटिंग कर लेना है। और वेजिटेबल में हमें चाहिए शिमला मिर्च, टमाटर और बंद गोभी, इनको भी हमने जूलियन कटिंग कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास गाजर अवेलेबल है तो उसको भी आप जूलियन कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे सिरका। सिरका ऐड करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे सोया सॉस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए रख देना है। अब हमने एक पैन में पानी को गर्म कर लेना है, और उसके अंदर हमने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। अब इस पानी में हम स्पैगेटीज को ऐड कर देंगे, और इनको हमने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। 10 मिनट बॉईल करने के बाद हमने इनका पानी ड्रेन आउट कर लेना है, और उसके बाद हमने इस पर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। और इसके बाद हमने एक पैन में तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर देंगे। टू मिनट लहसुन को कुक करने के बाद इसका कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसको हमने कवर करके रख देना है ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। इसको हमने कवर करके तकरीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद अब हमने कवर को हटा लिया है, और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है चिकन को।
इसके बाद हमने लेना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छा सा उसका बैटर तैयार करके वो हमने इसमें ऐड कर देना है। दो मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून केचप। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। और इसके बाद इसमें जाएगी बंद गोभी। टमाटर को हम सबसे एंड पे ऐड करेंगे क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। वेजिटेबल ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट बाद हम इसमें स्पेगेटीज को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारी स्पेगेटीज जो है ये रेडी है। और अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।